फ्रीलांस मार्केटप्लेस पर पोस्टिंग की जॉब्स में क्रेग्जलिस्ट के बाद इंपॉर्टेंट जगह जो आती है जहां आप ज़्यादातर पोस्टिंग कर रहे होते हैं वो है फेसबुक ग्रुप्स। जब हमने फेसबुक पढ़ा था तो वहां हमने फेसबुक ग्रुप्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की थी। उसकी वजह ये है कि आई वॉज एक्चुअली वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन कि जिसके अंदर हम पोस्टिंग रिलेटेड बात ही कर रहे होंगे। आपको फ्रीलांस मार्केटप्लेस पे स्पेसिफिक जॉब्स मिलती हैं जिसमें द क्लाइंट टेल्स यू कि भाई आप मेरे स्पेसिफिक ग्रुप्स के अंदर जाके चीज़ों को पोस्ट करें, तो फिर आपको वो काम करना पड़ता है। तो इस वजह से आज हम इन सेशन के अंदर, अगले कुछ इन सेशन में भी फेसबुक ग्रुप के बारे में बात करेंगे, और इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक दरहकीकत होते क्या हैं और क्यों यूज़ करने चाहिए पोस्टिंग की जॉब्स के लिए। तो आइए ज़रा थोड़ी सी नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो फेसबुक ग्रुप्स बेसिकली होते क्या हैं। फेसबुक में तो हमने ज़्यादातर ये देखा है कि हम अपना प्रोफाइल बना रहे होते हैं या जिस तरह हमने सीखा था कि एक कंपनी का पेज बनना होता है, लेकिन इसके अलावा आप फॉरम ओरिएंटेड ग्रुप्स भी बना सकते हैं। अगर आप में से कुछ दोस्तों को याद हो तो एक टाइम हुआ करता था कि जब जो फॉरम्स हैं वो बड़े पॉपुलर होते थे, गेमिंग रिलेटेड फॉरम हुआ करते थे, गाड़ियों के रिलेटेड फॉरम हुआ करते थे, इंटरेस्ट बेस्ड फॉरम्स हुआ करते थे, जिसके अंदर लोग जाकर एक वेबसाइट पर एक थ्रेड शुरू करते थे और थ्रेड शुरू करने के बाद उसमें फिर कमेंट्स करते थे और वो बैक एंड फोर्थ रिप्लाई हुआ करता था, लोग आपस में डिस्कस किया करते थे। फेसबुक ने अपने सोशल नेटवर्किंग के पावर को यूज़ करके ग्रुप्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया कि जिसके अंदर लोग आते हैं एक इंटरेस्ट की बेस के ऊपर एक ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप बना के आपस में डिस्कशन शुरू कर देते हैं। सो फेसबुक ग्रुप इज़ ए प्लेस वेयर देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर डिस्कसिंग अबाउट ए सर्टन फिनोमेना या सर्टन इंटरेस्ट। अब जब वो एक इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जिसने वो ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है उस बंदे का उस पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट है, तो उसने वो ज्वाइन किया हुआ है। तो इस वजह से अगर आपकी प्रोडक्ट या सर्विस ऐसी है कि जो उस इंटरेस्ट से रिलेट करती है तो उसकी सेलेबिलिटी और उसके मैसेज की इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगी ग्रुप्स में रादर देन कि आपके अपने फेसबुक प्रोफाइल पर या कंपनी के पेज के ऊपर। अब आइए ज़रा नज़र डालते हैं कि फेसबुक के ऊपर जो ग्रुप्स बनते हैं वो किन किन चीज़ों के रिलेटेड बन रहे होते हैं। सबसे पहले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके बारे में ज़्यादातर ग्रुप्स बन रहे होते हैं वो होता है कॉज, यानी कि कोई एक मकसद होता है। हम अक्सर पाकिस्तान में देखते हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स बन रहे हैं वो डिफरेंट कॉजेज़ के रिलेटेड हैं, बल्कि हर दूसरे तीसरे दिन नया ग्रुप आपकी न्यूज़ फीड पर अपीयर हो रहा होता है। तो अक्सर लोग जो हैं जो उस कॉज के साथ एग्री करते हैं वो उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेते हैं और फिर आपस में डिस्कस करते हैं और उसके ऊपर पोस्टिंग हो रही होती है। कॉज के अलावा जो रीजंस ग्रुप्स बनाने की हैं उसमें एक्टिविटी का शुमार भी होता है कि एक सर्टेन एक्टिविटी हो रही है, कोई इवेंट हो रहा है, कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, कोई साइकिलिंग का या बॉक्सिंग का इवेंट हो रहा है, उसके रिलेटेड एक ग्रुप बन गया और उस ग्रुप के रिलेटेड जो है फिर लोग उसमें ऐड होते हैं और फिर आपस में डिस्कस करते हैं। एक्टिविटी के अलावा इशू रिलेटेड भी होते हैं कि कोई एक ऐसा इशू है कि जो आपके जहन में है और लाइक माइंडेड लोग मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। और लास्ट के अंदर कॉन्टेंट रिलेटेड ब्लॉग भी होता है। कॉन्टेंट रिलेटेड ब्लॉग ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे फोटोग्राफी पसंद है तो मैंने पिक्चर्स देना शुरू की। अब पिक्चर्स लेके मैंने पेज तो बना लिया अपना एक, लेकिन अब मैं चाहता हूँ ये कि मैं एक ऐसा ग्रुप या फॉरम फॉर्म करूँ कि जिसमें जो पिक्चर लेने वाले सारे मेरे दोस्त हैं या लोग हैं वो आएँ आकर अपनी पिक्चर्स को शेयर करें और आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस करें और सजेशंस लें। तो वो कॉन्टेंट रिलेटेड जो ग्रुप्स हैं उसको हम फेसबुक के ऊपर बनाते हैं और ये मार्केटर्स के लिए एक हेवन है क्योंकि वहाँ आपको एक ही जगह पर सारे फोटोग्राफर्स मिल रहे होते हैं। जब तो अगर आपने कैमरे का लेंस के बारे में कोई पोस्ट करनी है तो दैट इज़ द बेस्ट ग्रुप वेर यू कैन एक्चुअली गो एंड यू कैन पोस्ट दैट। अब जब ग्रुप्स जब बन रहे होते हैं तो उसमें ओनर्स होते हैं या ओनर्स के अलावा एडमिन्स होते हैं। आप एज एन ओनर एक ग्रुप बनाते हैं और अब आप कहते हैं कि अच्छा यार मैं अपने अलावा इन तीन लोगों को भी चाहता हूँ कि वो ग्रुप को मैनेज करें, तो फिर आप एडमिन रोल्स उन तीन लोगों को दे देते हैं। कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। तो आप और आपके एडमिन जो हैं वो ग्रुप्स को मैनेज कर रहे होते हैं और वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि कौन सा कॉन्टेंट उसमें पोस्ट होना है, कौन सा कंटेंट पोस्ट नहीं होना। मेरे एक्सपीरियंस में अक्सर ये भी होता है कि जोन से ग्रुप इस्टेब्लिश हो जाते हैं यानी कि उसमें लाखों मेंबर्स हैं, तो उनके जो ओनर्स हैं फिर वो मार्केटिंग के लिए पैसे चार्ज करते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा भाई आपने मेरे ग्रुप में कोई चीज़ पोस्ट करनी है अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड, आप फ्री लांसर हैं तो $5 पर डे मैं आपसे लूँगा। अब आप एज ए फ्री लांसर हो सकते हैं $10 ले रहे हो, लेकिन वो कहते हैं भाई मेरे ग्रुप में पोस्ट करना है तो $5 पर डे मैं लूँगा। गारंटी कोई नहीं है कि मेरा मैसेज के ऊपर आपको कितने रिस्पॉन्सेज आएंगे क्या होगा, लेकिन चूंकि मेरा जो ग्रुप है वो आपके कंटेंट के रिलेटेड है और एक्टिव ग्रुप है, इसकी वजह से मैं आपसे पैसे चार्ज करूंगा। और अक्सर फिर हम में से लोग वो पैसे पे करते हैं ग्रुप्स में कंटेंट को पोस्ट करने के लिए, पब्लिश करने के लिए।
अब थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि ये जो ग्रुप्स हैं ये काम कैसे कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं इस ग्रुप्स के अंदर, आप चूंकि अपने मेन प्रोफाइल के थ्रू उसमें पोस्टिंग कर रहे होते हैं तो उस तमाम लोग जो उस ग्रुप का हिस्सा होते हैं उनका प्रोफाइल आ रहे होते हैं, उनकी कॉमेंट्स आ रहे होते हैं, उनकी पोस्ट आ रही होती हैं और रेगुलरली आ रही होती हैं। इसके अलावा जो ग्रुप्स हैं वो तीन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो क्लोज होते हैं, यानी कि ये वो ग्रुप्स हैं कि जिसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं लेकिन ज्वाइन के लिए या तो आपको इनविटेशन चाहिए या ये है कि आप अपनी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजते हैं ओनर को या एडमिन को और वो उसको रिव्यू करके आपको उस ग्रुप का हिस्सा बनाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप अभी कंप्यूटर पे बैठे हैं और फेसबुक आपके सामने है तो सर्च कीजिए कि क्या फ्रीलांसर्स इन पाकिस्तान का कोई ग्रुप अवेलेबल है फेसबुक पे, तो आप करेंगे ये कि अगर फ्रीलांसर इन पाकिस्तान का ग्रुप जो है वो क्लोज एंडेड ग्रुप है तो वो आपको विजिबल तो होगा आपकी सर्च के अंदर जब आप उसको सर्च करेंगे, लेकिन ज्वाइन करने के लिए आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी जो मैनुअली फिर ऑन द अदर हैंड जो एडमिन है उसको एक्सेप्ट करेगा और आप फिर उस ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। दूसरे टाइप जो ग्रुप की होती है वो होती है पब्लिक ग्रुप, यानी कि ये ओपन होते हैं, आपको सर्च में भी नज़र आ रहे होते हैं और ज्वाइनिंग के लिए आपको किसी किस्म की ज़रूरत भी नहीं होती, तो आप उसमें ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर लेते हैं और ज्वाइन करने के बाद उसमें पोस्टिंग शुरू कर देते हैं। और लास्ट के अंदर होते हैं सीक्रेट ग्रुप्स। ये सीक्रेट ग्रुप्स वो वाले ग्रुप्स हैं कि जो आपको सर्च बार में नज़र नहीं आते और सर्च बार में ना नज़र आने की वजह से आप इनको ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट भी नहीं भेज सकते। तो इनको ज्वाइन करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जो ओनर या एडमिन है वो आपको इनविटेशन भेजे और इनविटेशन भेजने के बाद आप उसको एक्सेप्ट करें और एक्सेप्ट करने के बाद आप उस ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं। अब ये तो होगी ग्रुप्स की चंद डायनामिक्स, यानी कि ग्रुप किस तरीके से बन रहे होते हैं, किस तरह के होते हैं, लेकिन अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये ग्रुप्स आपको यूज़ क्यों करने चाहिए, आइए ज़रा थोड़ी सी उसके ऊपर नज़र डालते हैं। सबसे पहली मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ कि ग्रुप्स जो हैं वो इंगेजिंग बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में ना कंपनी का पेज इतना इंगेजिंग होता है, ना आपका पर्सनल प्रोफाइल इतना इंगेजिंग होता है, ना ब्लॉग्स इतने इंगेजिंग होते हैं जितने ज़्यादा ग्रुप्स होते हैं। मतलब ये है कि जब आप एक इंटरेस्ट या कॉज रिलेटेड लोगों को इकट्ठा कर लेंगे तो जाहिर सी बात है चूँकि उसमें उनका इंटरेस्ट है तो वो आपस में डिस्कस भी करेंगे, कमेंटिंग भी करेंगे और फीडबैक भी देंगे। तो आप अगर कोई चीज़ पोस्ट कर रहे हैं जो एज ए फ्रीलांसर आपकी जॉब है तो आपका काम बड़ा आसान हो जाता है क्योंकि आपके कंटेंट पे इंगेजमेंट बढ़ जाती है और ये काम सारा का सारा फेसबुक ग्रुप्स आपके लिए कर रहा होता है। सेकंड जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है ग्रुप्स को यूज़ करने की वो है कि इट कैन एक्चुअली बिल्ड ट्रस्ट। अगेन वही बात कि इशू या कंटेंट के या कॉज रिलेटेड लोग इकट्ठे होते हैं तो ट्रस्ट आपस में होता है, तो वो लोग बिलीव कर रहे होते हैं कि जो भी चीज़ वहाँ पोस्ट हो रही है वो कंपैरेटिवली मोस्ट ट्रस्टवर्दी है एज़ कम्पेयर टू लेस ट्रस्टवर्दी जो बाकी जगहों पर पोस्ट हो रही होती है या मार्केटिंग के बजट को यूज़ करके पोस्ट हो रही होती है। तीसरी रीज़न है पोस्ट पिनिंग। आप कोई भी जब पोस्ट करते हैं ग्रुप के ऊपर तो आपके पास अथॉरिटी होती है कि आप उसको पिन टू द टॉप ऑफ द पेज कर सकते हैं, जो आपको काफ़ी हेल्प करती है विजिबिलिटी इंक्रीज करने में। एक सेंस ऑफ फ्रीडम यूज़र्स के पास ग्रुप के अंदर होता है कि आप जब एक ग्रुप को ज्वाइन कर लें तो लोग जो हैं वो ओपनली बात कर सकते हैं। सेंस ऑफ फ्रीडम का बेस्ट फ़ायदा आप एज ए फ्रीलांसर उठा सकते हैं जब आपके पास कोई रिसर्च ओरिएंटेड जॉब है, यानी कि आपने कंज्यूमर्स की इंसाइट्स लेनी है कि लोग उस प्रोडक्ट के बारे में क्या जानते हैं, तो जब सेंस ऑफ फ्रीडम होगी तो लोग ओपनली आपसे बात करेंगे और बात करने के बाद आपको अपना फीडबैक देंगे और आपका फ्रीलांसर का जो काम है वो बेहतर से बेहतर बनता जाएगा। तो दोस्तों फेसबुक ग्रुप्स के बारे में हमने थोड़ा सा इस सेशन के अंदर देखा और लर्न भी किया, तो इन चीज़ों को ज़रा जहन में रखिए और जब आगे चल के आपने पोस्टिंग की जॉब करनी है फेसबुक ग्रुप्स में तो हो सकता है ये टिप्स जो हैं वो आपके काम आएँ।